अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए, आप सभी लोग हमेशा खुश रहे। अब बात करते हैं शियाब भाई के सफ़र की कि वो अभी कहाँ हैं, उन्हें अभी कितना और समय लगेगा अपनी मंजिल तक पहुँचने में, शिहाब अभी तक कितना पैदल चल चुके हैं और शिहाब अभी कहाँ जा रहे हैं, इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। शिहाब चतुर, जिन्होंने अपना पैदल हज यात्रा करने का सपना पूरा करने के लिए 2 जून 2022 से अपना सफर शुरू किया था, वो केरला के मल्लपुरम जिले के रहने वाले हैं। शिहाब का यह सपना था कि एक दिन वो पैदल हज करने के लिए जरूर जाए और अल्लाह ने उनकी सुन ली। पैदल हज पर जाना यह सुनने में आसान तो लग रहा है, लेकिन वहां तक पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है और ये सभी जानते हैं। आज के समय में तो लोग 5 मिनट की दूरी भी तय करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिहाब यहाँ 5 देशों को पैदल पार करके हज के लिए जाएंगे। शिहाब जब भारत में सफर कर रहे थे तब काफी वक्त तक लोगों को उनके सफर की जानकारी नहीं थी। जैसे ही न्यूज के माध्यम से लोगों को उनके बारे में पता चला और उसके बाद न जाने कितने सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ गए, उन्हें भारत में हर धर्म के लोगों का सपोर्ट मिला। शिहाब के इस फैसले से लोगों को पता चला कि आज भी लोग नेक काम के लिए जाते हैं। उनसे मिलने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थी और लोग उनका घंटों इंतजार करने के लिए तैयार रहते थे। शिहाब को भी बहुत खुशी मिलती थी कि उन्हें हर धर्म के लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। भारत में शिहाब की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया, उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं हुई थी। शिहाब ने भारत में 4 महीने का सफर किया था। वो भारत में 3500 किलोमीटर पैदल चलकर बाघा बॉर्डर तक पहुंचे थे। बाघा बॉर्डर जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और जहां पर उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिलने वाला था, लेकिन जब वहां पर शिहाब ने वीजा के लिए कहा तो उन्हें सिक्योरिटी का हवाला देकर वीजा नहीं दिया गया, जिस वजह से शिहाब पाकिस्तान में एंटर नहीं हो पाए। और जब तक शिहाब को वीजा नहीं मिला तब तक वो पंजाब के खासा गाँव के आफिया किड स्कूल में रुके रहे थे और वहाँ के ऑनर ने उनका पूरा ध्यान रखा था। शिहाब आफिया किड स्कूल में लोगों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। जब शिहाब कुछ समय तक लोगों से नहीं मिले थे तो उन्हें लगने लगा कि वो वापस चले गए हैं और अपना सफर पूरा नहीं करेंगे, लेकिन शिहाब वापस नहीं गए थे, वो तो वीजा मिलने का इंतजार कर रहे थे। शिहाब ने 4 महीने तक इंतजार किया और उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिला। शिहाब का सफर 4 महीने बाद शुरू हुआ और पूरा देश उनके लिए बहुत खुश था। शिहाब जब पाकिस्तान एंटर हुए तो बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। शिहाब जैसे ही अपने सफर में आगे बढ़े तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पाकिस्तान में उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की जनता उन्हें इतना सम्मान देगी। उन्हें सिर्फ 72 घंटे के लिए पाकिस्तान का वीजा मिला था और 72 घंटे के बाद वो फ्लाइट से ईरान पहुंच गए थे। शिहाब का ईरान का जो सफर था वो काफी मुश्किल था। जब वो ईरान में सफर कर रहे थे तो वहाँ बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इतनी ठंड में पैदल सफर करना बहुत ही कठिन था। वो ईरान में एक दिन में 40 से 45 किलोमीटर पैदल चलते थे। उन्होंने 1 महीने में 1500 की दूरी तय करी थी और उसके बाद वो फ्लाइट से इराक पहुंच गए थे। शिहाब इराक में डायरेक्टली बगदाद में पहुंचे थे। बगदाद में वो 2 दिन रुके थे। शिहाब ने बगदाद में मजार की जियारत करी और वो करबला शरीफ चले गए। वहां उन्होंने मजार की जियारत करी और इसके बाद वो नस्ब चले गए मजार की जियारत के लिए। शिहाब नस्ब से वापस करबला शरीफ आ गए थे क्योंकि उन्हें वहां से सऊदी अरब के लिए सफर करना था। शिहाब ने एक वीडियो में बताया था कि वो आरआर बॉर्डर से सऊदी अरब जाएंगे और कुवैत नहीं जाएंगे, लेकिन जब शिहाब आरआर बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें वहां से नहीं जाने दिया गया, जिस वजह से वो कुवैत चले गए और वहां उन्होंने 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करी। शिहाब सऊदी अरब पहुंच गए हैं। उनका सफर अभी सऊदी अरब में ही चल रहा है। जब वो सऊदी अरब पहुंचे थे तो उनकी आंखें नम थी, वो बहुत खुश थे और उनका वहां बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। शिहाब से मिलने के लिए बहुत सारी जनता आई थी, उन्हें वहां काफी लोग जानते हैं। शिहाब वहां 6 साल तक रह चुके हैं। शिहाब से मिलने के लिए उनके जान पहचान के लोग भी आए थे। शिहाब अभी मदीना के लिए सफर कर रहे हैं तो वो पहले मदीना जाएंगे और वहां जियारत करेंगे, इसके बाद वो मक्का जाएंगे और 2023 के हज में शामिल हो जाएंगे। उन्हें मदीना पहुंचने के लिए 600 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उन्हें यह दूरी तय करने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा और इसके बाद उन्हें मक्का तक पहुंचने के लिए लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उन्हें लगभग 1 महीने का वक्त लग जाएगा इस पूरे सफर को तय करने में। शिहाब अभी तक 6000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। वो अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि उनके पास काफी वक्त बचा है। वो रोज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। शिहाब के पास 70 से 80 दिन का समय बचा है। वो अपने घर वालों से 10 महीने से दूर है। शिहाब के साथ सऊदी अरब में काफी लोग चल रहे हैं। वहाँ के लोग उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। शिहाब वहाँ के शेख से मिले थे और उनके साथ उन्होंने वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें शिहाब ने उन्हें अपने सफर के बारे में बताया था कि वो कैसे सऊदी अरब तक पहुंचे हैं और उनके रास्ते में कितने चैलेंज आए हैं। शिहाब को लोग ट्रॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि शिहाब ने यह सब कुछ फेमस होने के लिए किया है, तो वो सब जान गए होंगे कि शिहाब ने यह सब फेमस होने के लिए नहीं किया है बल्कि अपना सफर पूरा करने के लिए किया है। शिहाब ने इतनी मुश्किल आने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने अल्लाह पर सब छोड़ दिया था कि उन्हें जो मंजूर होगा वही होगा। शिहाब हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं।
तो हम सब उनके लिए दुआ करते रहेंगे कि वो समय से पहुंच जाए और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शियाब की हज यात्रा सफल हो जाए और वो 2023 के हज में शामिल हो जाए और अल्लाह उन्हें हमेशा फिट और खुश रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।